नमस्कार। तो बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी यानी तीसरा चरण अब शुरू हो चुका है। तमाम 15 जिलों में बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मतदान केंद्रों पर बड़ी लाइनें आपको दिखाई देंगी। सुबह सुबह इतनी बड़ी लाइनें जल्दी हमने दो चरणों में तो नहीं देखी थी, लेकिन इस चरण में क्योंकि डिसाइडर यह चरण माना जा रहा है, तो जो भी प्रत्याशी हैं किसी तरह से मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं। हालांकि तस्वीरों में आप ये भी देखेंगे कि एक दिव्यांग मतदाता भी वोट डालने पहुंचे हैं और उन बाकायदा उनके लिए रेड कारपेट भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से वहाँ पर स्कूल के जो स्काउट एंड गाइड के बच्चे हैं वो उन्हें रिसीव करते हुए मतदान केंद्रों पर ले जा रहे हैं कि आप वोट डालें। ये तस्वीर जो है मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की है और हम बता दें कि मुजफ्फरपुर में 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर सीटों की बात करें तो उसमें है औराई, बोचहां, गायघाट, कुरहानी, मुजफ्फरपुर और सकरा। तो ये 6 सीटें हैं जहां पर मतदान चल रहा है मुजफ्फरपुर में। और हमारे साथ बने हुए हैं साहुल पांडे। साहुल पांडे, अन्य जिलों की क्या खबरें हैं? जैसे बात अगर हम अररिया की करें तो कल यहाँ पर जब चुनाव की पूरी तैयारी हो गई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो उसके बाद एक मॉक ड्रिल पोलिंग कराई गई और जिसमें मशीनों का टेस्ट भी हो गया इसी दौरान। और फिर अगर बात हम मोतिहारी करें तो मोतिहारी में भी जो है आज चुनाव है, सारी इलाकों में चुनाव है खासतौर पे, और कुछ और इलाके हैं जैसे सुगौली का इलाका है वहाँ पे चुनाव है, और इसके आसपास के अन्य कई सारे ऐसे जो है विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर आज मतदान हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि सुबह से ही लोग जो है इन जगहों पर पहुँच रहे हैं। ये मोतिहारी की तस्वीर है, आप इसमें देखिए कि किस तरीके से लोग सुबह सुबह लाइनों में पहुँच रहे हैं। उसके अलावा सुपौल की तस्वीरें भी जो हैं वो सामने आई हैं। सुबह सुबह थोड़ा ठंड है लेकिन लोग जो है वो शॉल ओढ़ करके या फिर यूं कहें कि गर्म कपड़ों में जो है मतदान करने पहुंच रहे हैं। ये जोश दिखाता है कि किस तरीके से पिछले दो चरणों में जो मतदानों में कमी रही, लेकिन तीसरे चरण में ठंड बढ़ने के बावजूद जो है लोग एक इस लोकतंत्र के पर्व में सुबह सुबह से ही जो है लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। किन किन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं? अगर सुपौल की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर आज मतदान डाले जा रहे हैं, जिसमें सुपौल है, निर्मली है, त्रिवेणीगंज है, छातापुर है और पिपरा है। और वोटरों की संख्या अगर बात कर लें तो लगभग 14 लाख से ज़्यादा, 14,69,000 के करीब जो है यहाँ पे वोटर्स हैं जो आज मतदान डाल रहे हैं। वहीं अगर अररिया की बात कर लें तो यहाँ पर भी लगभग जो है इसी के क्रम में जो है मतदाता हैं यहाँ पर। हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई वो वहाँ की तैयारियों के रूप जो है वहाँ से दिखाई दे रही है। इसके अलावा मोतिहारी की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी लगभग 256 मतदान केंद्र जो हैं खासतौर पर मोतिहारी जो क्षेत्र है वहाँ पर बनाए गए हैं और उस इलाके में जो है वोटिंग हो रही है। यहाँ पर भी 17 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं जो आज अपने मतदान का। हमने ये भी सुना कि वहाँ से मंत्री जो कला संस्कृति मंत्री हैं प्रबोध कुमार, उन्होंने भी वोट डाले हैं। दिखाने चाहेंगे कि जो कला संस्कृति मंत्री हैं प्रमोद कुमार, वो भी जो वो भी पिपरा कोठी में उनका बूथ है, उस बूथ पर जाकर के उन्होंने आज सुबह सुबह मतदान किया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस दौरान जो है तस्वीरें सामने आई थी जब ये लोगों के बीच जा रहे थे तो लोगों ने इन्हें घेर लिया था और सवाल भी पूछे थे, यहाँ तक कि वो जो सड़क के गड्ढे में नाली बन गया था उसमें पानी जम गया था, उसमें उनको उतरना पड़ा था लोगों के विरोध के कारण, और ऐसे विरोध झेलने पड़े। ऐसी कई तमाम तस्वीरें जो हैं ये तीसरे चरण के मतदान में हमें दिखाई दे रही हैं। हालांकि कई मंत्रियों का इस बार किस्मत जो है इस बार तीसरे चरण में दांव पर है। तकरीबन 11 या 12 मंत्री इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तीसरे चरण में, और प्रबोध कुमार की तो हमने जानकारी दी, साथ ही आपको बताया कि सुरेश शर्मा जो कि मुजफ्फरपुर से विधायक हैं, मंत्री हैं, वो इस बार वोट डालने से पहले सुंदरकांड का पाठ करा कर गए ताकि भगवान जो है उन पर मेहरबान रहे। हालांकि कितना मेहरबान रहेंगे ये जनता तय करेगी, 10 नवंबर को पता चलेगा। तस्वीरें तमाम जो भी हमारे सामने आएंगी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलते चलते हम आपको बता दें कि हमारे रिपोर्टर्स जो कि जमीन पर जो है लगातार आपके लिए तस्वीरें भेज रहे हैं, खबरें भेज रहे हैं, उनमें मोतिहारी से अमित कुमार हैं, अररिया से मुर्शिद रजा हैं, सुपौल से सुनील कुमार हैं, और जो है मुजफ्फरपुर से प्रकाश जी हैं। ये लोग लगातार जो है बने हुए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों से भी हमारे रिपोर्टर्स खबरें पहुंचा रहे हैं, वो हम आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।